हिमाचल कांग्रेस में चल रही गुटबंदी को लेकर एक ओर जहां कांग्रेसी एक दूसरे का सिर फोड़ने पर उतारू हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सांसद शांता कुमार ने कांग्रेस की क्षमता कला को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की हमेशा आवश्यकता रहती है, मगर विपक्ष में बैठी कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं, जो कि चिंतनीय विषय है। शांता कुमार ने कहा कि इसका नुकसान कांग्रेस को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को है। उन्होंने कहा कि राजनीति में विचारों की लड़ाई मर्यादा में रहकर होनी चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कांग्रेस के नेताओं को सलाह दी कि वे अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करें। वहीं चुनाव लड़ने के संदर्भ में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह पार्टी हाईकमान तय करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और हर व्यक्ति विशेष की ओर से चुनाव नहीं लड़ सकता है, बल्कि पार्टी तय करती है कि किसे चुनाव लड़ना है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में बहुत चुनाव लड़े हैं और अब मैं चाहता हूं कि कोई युवा चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, उसको हम जीतेंगे। ऐसा है ना कि मैंने तो बड़े चुनाव लड़ लिए हैं और हमारी इच्छा है कि और कोई नौजवान अब चुनाव लड़े, आगे आए। लेकिन देखिए, चुनाव हम कभी लड़ते नहीं, न कभी रामस्वरूप जी ने चुनाव लड़ा, न मैंने लड़ा, चुनाव पार्टी लड़ा थी। पार्टी निर्णय करती है, पार्टी जो निर्णय करेगी वही होगा, लेकिन हम सारी सीटें जीतेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे, ये निश्चित है। पार्टी जो कहेगी, पार्टी का आदेश तो सबको मानना है। कांग्रेस में जो हो रहा है उससे मैं खुश नहीं हूं, मैं प्रसन्न नहीं, हालांकि मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन मुझे दुख किस बात का है, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा विपक्ष चाहिए। इसलिए मैं तो कांग्रेस के लोगों को सलाह दूंगा, विशेषकर श्री वीरभद्र सिंह तो मेरे मित्र हैं, कि भी अपनी पार्टी को ठीक करो, स्वस्थ रहो, अच्छा विपक्ष बनाओ। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में सरकार चला रही है, कल भी हमारी सरकार होनी है, लेकिन अच्छी सरकार के लिए अच्छी अपोजिशन चाहिए। तो जिस ढंग से ये तमाशा हो रहा है, ये कांग्रेस के लिए तो नुकसानदेह है, पूरे लोकतंत्र के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए नुकसानदेह है। मैं चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर अच्छा स्वस्थ विपक्ष हो। टूटे फूटे विपक्ष के टुकड़े भारत में श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं बन सकते, कभी बनेंगे नहीं। आज श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प भारत में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसी संगठित पार्टी का कोई विकल्प भारत में नहीं है। और पिछले 4.5-5 वर्षों में जो काम देश में हुए हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए ये विपक्ष के लोग कितने भी इकट्ठे होते रहे, अगले चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी और श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हम फिर पिछले 5 साल के कामों को अगले 5 साल के लिए आगे बढ़ाएं।